दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SBI क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2022 कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप अपना ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको SBI की ये ऑफिशियल साइट खोल सकते हैं या फिर आपको फॉर्म भरने की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट्स एंड सेल्स अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 7/9/2022 टू 27/9/2022। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट इस पर क्लिक करना है और फॉर्म भरने से पहले यहाँ पर आपको ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ लेना है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं CRPD CR 2022-23/15। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसीज, यहाँ पर सर्कल ऑल इंडिया लेवल पर ये फॉर्म है। तो यहाँ पर आपको सारे जो स्टेट्स हैं उनमें कितने कितने वैकेंसी है, कौन से स्टेट में, कौन सी सिटी में, यहाँ पर स्टेट का नाम लिखा रहेगा, यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज में रहेगा और यहाँ पर आपको कैटलॉग बाइस रेगुलर वैकेंसीज और यहाँ पर बैकलॉग वैकेंसीज, आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर सारी जो पोस्टें हैं वो सभी पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल पोस्ट की बात करें तो 5008 टोटल पोस्ट हैं यहाँ पर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पर एज लिमिट अस ऑन 1/8/2022 को आप मिनिमम 20 साल और ज़्यादा 28 साल, यहाँ पर 1/8/2022 के अकॉर्डिंग, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/8/1994 हैं और 1/8/2002 के बीच में हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एज रिलेक्शन में छूट चाहिए, अपर एज लिमिट है, तो यहाँ पर SC ST OBC PWD इन कैटेगरी को यहाँ पर आप देख सकते हैं छूट मिलेगी। और उसके बाद में यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास में ग्रेजुएशन डिग्री होना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, कौन कौन सी मीडियम में कौन से स्टेट में एग्ज़ाम होंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों पे स्केल की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पे स्केल भी दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो यहाँ पर कैटेगरी और यहाँ पर फ़ी, तो यहाँ पर SC ST PWD, यहाँ पर एप्लीकेशन नील और यहाँ पर जनरल OBC EWS 750 रुपये, तो यहाँ पर इस इनका जो चार्जेस है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको फॉर्म भरने से पहले ये सारा जो नोटिफिकेशन है वो पढ़ लेना है। यहाँ पर जूनियर एसोसिएट्स और कस्टमर सपोर्ट की वैकेंसीज है। तो दोस्तों फॉर्म भरने से पहले आप ये नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ना है आपको, उसके बाद में ही अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम आ जाएगा आपका इस बॉक्स में, यहाँ पर कन्फर्म फर्स्ट नेम, यहाँ पर मिडिल नेम, यहाँ पर लास्ट नेम और यहाँ पर आपका वैलिड मोबाइल नंबर डाल देना है दोनों बॉक्स में। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालना है और यहाँ से डोमेन नेम सेलेक्ट करना है और यहाँ पर फुल ईमेल आईडी, ये कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करेंगे और सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको स्कैन फोटोग्राफ द कैंडिडेट, यहाँ पर सिग्नेचर ब्राउज पर क्लिक करेंगे, अपना फ़ोटो साइन अपलोड करेंगे, आई कन्फर्म पर टिक करेंगे दोनों बॉक्स पर। आपको फ़ोटो साइज है वो यहाँ पर आपको क्लिक करके फोटोग्राफ और सिग्नेचर का साइज़ देख सकते हैं। अपना फ़ोटो साइन इस प्रकार से अपलोड करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने अगली स्टेप आती है बेसिक डिटेल्स, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सर्कल इस यहाँ से क्लिक करके आप कौन से सर्कल से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। उसके बाद में सर्कल प्रेफरेंस वन, तो यहाँ पर दोस्तों आपको स्टेट यू वेंट टू अप्लाई फॉर, आपको
अपने स्टेट सेलेक्ट करना है यहाँ से। उसके बाद में ऑफिशियल लैंग्वेज आपको अपने स्टेट का आना ज़रूरी है। उसके बाद में यहाँ पर डू यू हैव 10 और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपका बता रहा है 10th की या 12th की मार्कशीट में आपकी जो लोकल ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वो आपने पढ़ी है, तो इस पर आप यस करेंगे। उसके बाद में कैटेगरी आप जनरल, EWS, OBC, SC, ST जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर आपकी कास्ट का नाम डाल देंगे, आपकी जो भी सब कास्ट है उसका। उसके बाद में आई कंफर्म दैट आई एम ए पॉसिशन विल प्रोड्यूस EWS सर्टिफिकेट इशू बेस्ड ऑन एनुअल इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर दोस्तों आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आते हैं तो यस करके उसकी डिटेल यहाँ से दे सकते हैं, नहीं तो आपको नो पर टिक करना है। यहाँ पर रिलीजन टू विच यू बिलोंग, तो यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको रिलीजन में माइनॉरिटी में आते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो पर टिक करना है। यहाँ पर नेशनलिटी में इंडियन आ जाएगा। यहाँ पर आप अंडर, विधवा, डिवोर्स, ये इनमें से अगर है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो इस पर नो पर टिक करेंगे। एक्स सर्विसमैन पर भी नो पर टिक करना है। ई एक्स सर्विसमैन पर भी आपको डिसेबिलिटी में, डिसेबल में आते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो इन पर सब पर नो करेंगे। अगर आप ये डिपार्टमेंट ऑफ सर्विसमैन काइल्ड है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको इस पर नो पर टिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आर यू ऑलरेडी वर्किंग अगर SBI में हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको इस पर टिक करेंगे। यहाँ पर आप एम्प्लॉई हैं स्टेट बैंक के तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको इस पर भी नो पर टिक करना है। यहाँ पर दोस्तों डू यू हैव योर रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट रीपेमेंट ऑफ लोन्स, अगर आपने लोन लिया है और आप डिफॉल्ट है तो यहाँ पर इसको अपने अकॉर्डिंग यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको इस पर भी नो पर टिक करना है। तो यहाँ पर भी आपको नो पर टिक करेंगे, ये आपको अपने अकॉर्डिंग यस नो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टेट यूटी प्रीलिमिनरली एग्जामिनेशन के लिए अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मेन एग्ज़ाम के लिए अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना मेन एग्ज़ाम की सिटी सेलेक्ट करना है इस तरीके से। आई कन्फर्म माई नेम ऑन दिस ID एंड दिस एप्लीकेशन एक्चुअली मैच, आपने जो फॉर्म में नाम डाला है उसका एक ID प्रूफ होना ज़रूरी है, तो इस पर आपको टिक करेंगे और यहाँ से वो ID सेलेक्ट कर लेंगे। उसका नंबर यहाँ पर आपको डालना है इस बॉक्स में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर आपका जो प्रीलिमिनरली एंड मेन एग्जामिनेशन होगा वो इंग्लिश एंड हिंदी, तो ये सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है। यहाँ पर ट्विन ब्रदर सिस्टर हो तो यस कर सकते हैं, नहीं तो इस पर नो पर टिक करना है। यहाँ पर आपको नेम, यहाँ पर मैरिड, अनमैरिड, विधवा जो भी हो वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर फादर्स नेम आएगा इस बॉक्स में, यहाँ पर फादर्स मिडिल नेम, यहाँ पर फादर्स लास्ट नेम, यहाँ पर मदर्स फर्स्ट नेम, यहाँ पर मदर्स मिडिल नेम, लास्ट नेम, यहाँ पर स्पाउस नेम डाल सकते हैं अगर शादी हो गई है तो। यहाँ पर आपका करस्पोंडेंस एड्रेस आ जाएगा इस बॉक्स में, यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड, अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो इस डब्बे पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको चॉइस ऑफ द एड्रेस फॉर GST, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो फीस की अमाउंट है वो यहाँ पर देख सकते हैं। ये फॉर्म SC ST इन कैटेगरी के लिए निल है, कोई फीस नहीं लग रही है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपकी फ़ीस लग रही है तो आपको फ़ीस देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर वैलिड कर देना है और सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों अगली स्टेप आती है क्वालिफिकेशन डिटेल, तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन, आप अपीयर है या पास्ट है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर डिग्री सब्जेक्ट का नेम आ जाएगा, यहाँ पर आप कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम आ जाएगा, यहाँ पर पासिंग डेट आ जाएगी, आपने कब पास किया है, यहाँ पर आपका परसेंटेज आ जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर कौन सा क्लास आपने पास किया है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका अगर इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री है तो यहाँ से अपीयर है या पास वो सेलेक्ट करके उसकी डिटेल दे सकते हैं, PG की भी दे सकते हैं, अदर की भी।
अगर आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस है तो यस करके उसकी डिटेल यहाँ से दे सकते हैं, नहीं तो आपको नो पर टिक करेंगे। और यहाँ पर आपको प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग चाहिए, आप एससी एसटी ईएक्सएस इन लोगों को फ्री ट्रेनिंग के लिए दी जाती है तो चाहिए तो यस करके उसकी डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं, कौन से स्टेट और कौन सी सिटी कोड, नहीं चाहिए तो नो पर टिक कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज आपका होना आना ज़रूरी है तो यहाँ पर रीड राइट स्पीक तीनों पर टिक करेंगे। यहाँ पर सेकंड थर्ड फोर्थ लैंग्वेज भी आप दे सकते हैं, उसके बाद में वैलिड करेंगे और सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों फिर आपको एक बार प्रीव्यू चेक कर लेना है, आपने जो डिटेल डाली है वो सही है तो यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आई कन्फर्म दैट माई नेम अस फील्ड यहाँ पर इस पर एक क्लिक करेंगे। और अगर नाम चेंज है तो अगर आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, फिर ओके करेंगे, आर यू श्योर कंटिन्यू, ओके करेंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों अगली स्टेप आती है डॉक्यूमेंट अपलोड, तो यहाँ पर आपका लेफ्ट थम इम्प्रेशन ब्राउज पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना लेफ्ट थम इम्प्रेशन अपलोड करेंगे। और यहाँ पर आपको हेड राइटिंग क्लिक करना है, यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड का साइज वगैरह है वो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद में ये कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों अगर आपकी पेमेंट लग रही है तो आपको अपने फॉर्म की पेमेंट कर देना है, जैसे आप पेमेंट करेंगे तो आपका फाइनली फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली फॉर्म सबमिट हो चुका है, तो यहाँ से आपको एप्लीकेशन प्रिंट निकाल लेना है, यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन इस पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास में सेव करके रख लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जूनियर एसोसिएट्स जे ए कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स एसबीआई क्लर्क 2022 के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म आसानी से घर बैठे भर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।